सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सो यार, हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे सारे कॉन्सेप्ट प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से रिलेटेड ट्रावर्सल। ओके, सो हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे होंगे उसका एक प्री कैप रिविजन करेंगे। ओके, और हम लोग क्या कर रहे होंगे इसका कोड लिखेंगे VS कोड में। सो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ अपने बाइनरी ट्री का। ओके, इसमें हम लोग प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे होंगे। सो ओके, सो हम लोग प्री ऑर्डर में क्या किए थे, प्री ऑर्डर मतलब पहले, पहले मतलब क्या, हमारा जो रूट नोड था, रूट नोड उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अपने लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स कर रहे होंगे। ऑल राइट, और फिर उसके बाद क्या कर रहे होंगे यार, उसके बाद फिर हम लोग अपने राइट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे। तो यही सारा काम करेंगे इसमें, लेट से मूव करते हैं। तो पहले क्या है यार, हमारा पहले ये मिल गया रूट नोड, तो हम लोग क्या करेंगे पहले अपना रूट नोड लिख लेंगे ए। ओके, मैंने इसमें ए एज ए रैंडमली वैल्यू रख दिया है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ए ही रखें, आप इंटीजर वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ए हो गया। अब क्या है यार, पहले रूट नोड के लिख लिए, अब हम क्या करेंगे उसके बाद, ये क्या है, ये वाला जो इधर वाला पार्ट है ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री है इस रूट नोड के लिए, और ये राइट वाला जो है ये राइट सब ट्री है इस नोड के लिए, रूट नोड के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे आ गए। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा बी है, बी तो है लेफ्ट सब ट्री में, लेकिन ये जो बी है इस, ये भी एक सब ट्री तो फॉर्म कर रहा है ये वाला, समझ में आ रहा है। तो इस, ये भी किसी ना किसी के लिए रूट नोड भी होगा जहाँ से सब ट्री बन रहा होगा, और ये दोनों क्या है, उसके चिल्ड्रन है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी को लिख रहे होंगे। ओके, बी यानी रूट नोड। ओके, अब इधर आ जाएँ, अब इस रूट नोड के जब इधर आएंगे तो क्या, लेफ्ट सब ट्री है इधर, राइट सब ट्री है, तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा, फिर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, अब जब फिर वापस मूव करेंगे तो हमारा ये बी हो गया, ए हो गया, वैसे ही हम लोग ऐसे ही राइट वाले में भी करेंगे, समझ में आ रहा है। ये जो ये वाला है ये भी एक सब ट्री का फॉर्मेशन कर रहा होगा, समझ में आ रहा है, जिसमें एक रूट नोड होगा और ये दोनों इसके चिल्ड्रन होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चिल्ड्रन है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग रूट नोड लिखेंगे। ओके, फिर उस रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री लिखेंगे दैट इज एफ, एंड उस रूट नोड का राइट सब ट्री लिखेंगे दैट इज जी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हो जाएगा हमारे बाइनरी ट्री का। ओके, सो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग अपने इन ऑर्डर का। सो लेट्स टेक, सो हम लोग इन ऑर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं वही एग्जाम्पल लूँगा, प्री ऑर्डर देख चुके एग्जाम्पल, और एक इन ऑर्डर देख लेते हैं। ऑल राइट, फिर उसके बाद हम लोग वन बाई वन कोड लिखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, इन ऑर्डर मतलब इसमें क्या, पहले हमारा इन, इन मतलब क्या, बीच में हमारा रूट नोड होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सो जो रूट नोड होगा वो बीच में आएगा। ओके, और इससे पहले क्या आएगा, हमारा लेफ्ट सब ट्री आएगा, समझ में आ रहा है, लेफ्ट सब ट्री। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, हमारा राइट सब ट्री। ऑल राइट, जो कि मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब ट्री। ओके, क्या है ये, हमारा क्या है, रूट नोड है। सो हम लोग को रूट नोड नहीं लिखना है। सो ये रूट नोड है, तो इस रूट नोड के लिए ये वाला क्या है यार, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, जो इधर वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा लेफ्ट सब ट्री है, और जो इधर वाला पार्ट है ये राइट सब ट्री है। ओके, तो हमको रूट नोड नहीं लिखना है, हमको लेफ्ट सब ट्री पहले विजिट करना है, फिर उसके बाद राइट सब ट्री विजिट करना है। तो ये जो हमारा लेफ्ट सब ट्री है ये भी एक ट्री फॉर्म कर रहा है, दैट इज दिस वन, समझ में आ रहा है। तो इसका भी एक अपना ये रूट नोड होगा, समझ में आ रहा है। तो इस रूट नोड को अब हम लोग एज अ पेरेंट नोड बनेंगे, दैट इज बी। ओके, तो अब पेरेंट नोड मान लिए तो अब इसको भी पहले नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमको किसको ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट सब ट्री को। तो हम लोग पहले किसको ट्रैवर्स करेंगे यार, इसको करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा पहले डाटा क्या है, डी है, ठीक है। अब लेफ्ट सब ट्री के बाद रूट नोड पे जाएंगे, तो रूट नोड है हमारा बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राइट सब ट्री पे जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, अब ये हम लोग जाएंगे अपने रूट नोड पे, तो रूट नोड लिखेंगे, रूट नोड क्या है, हमारा ए है। ओके, अब इस ए रूट नोड के लिए हमारा ये वाला राइट सब ट्री है, तो इसके लिए ये हमारा, ये भी एक रूट नोड की तरफ बिहेव करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एफ हो जाएगा हमारा लेफ्ट सब ट्री, और उसके बाद हमारा रूट नोड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर उसके बाद राइट सब ट्री क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रावर्सल हो जाएगा इन ऑर्डर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, एक पोस्ट ऑर्डर का भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक इट। ओके यार, तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, पोस्ट मतलब आफ्टरवर्ड, मतलब बाद में हम लोग क्या करेंगे, रूट नोड को सबसे लास्ट में विजिट कर रहे होंगे, समझ जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू को सबसे लास्ट में लिखेंगे। और इससे पहले क्या करेंगे, अपना लेफ्ट सब ट्री विजिट करेंगे, समझ में आ रहा है, लेफ्ट सब ट्री। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, अपना राइट सब ट्री विजिट करेंगे। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, और नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ओके, सो ये क्या है हमारा, ये रूट नोड है। अब इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये है, समझ में आ रहा है। और इस रूट नोड के लिए राइट सब ट्री क्या है, ये वाला है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको विजिट करेंगे, इसको विजिट करेंगे, फिर उसके बाद इसको विजिट करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग ए लिखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में रूट नोड आपको मेंशन कर दिया और लास्ट में है, तो वो हमारा पोस्ट ऑर्डर ही ट्रावर्सल होगा। ओके, तो अब इस पे आते हैं। ये क्या है, हमारा एक रूट नोड की तरफ बिहेव करेगा, पैरेंट नोड, जहाँ से ये छोटा वाला हमारा ट्री स्टार्ट है। तो इसके लिए पहले ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है। तो पहले किसको विजिट करेंगे, राइट सब ट्री को, लेफ्ट सब ट्री को। तो पहले क्या आएगा, डी आएगा, फिर क्या आएगा हमारा ई आएगा, फिर क्या आएगा बी आएगा, ये हमारा हो गया। अब ए की वैल्यू नहीं लिखेंगे। ओके, ए की वैल्यू क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा रूट नोड लास्ट में लिखना है। अब हम लोग आ जाते हैं ए का जो हमारा रूट नोड है, इसका राइट सब ट्री, ये वाले में, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, ये सी क्या है, पैरेंट नोड है। ओके, तो इसका लेफ्ट सब ट्री ये है, राइट सब ट्री ये है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले वैल्यू लिखेंगे, लेफ्ट सब ट्री दैट इज एफ, फिर उसके बाद क्या वैल्यू रखेंगे, जी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर लास्ट में हमारा ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ हमारा कंप्लीट ट्रावर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो चलते हैं अपने VS कोड में और इसको कोड करते हैं। सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड एंड कोड। ओके, सो मैंने अपना यहाँ पर ट्री इम्प्लीमेंटेशन बना लिया पहले से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में ये सारा अच्छे से क्लियर कर दिया था। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन लिख रहे होंगे हम लोग प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए, इन ऑर्डर के लिए और अपना पोस्ट ऑर्डर के लिए। ओके, सो लेट्स मेक इट। सो हम लोग पहला फंक्शन क्या होगा, मेरा वॉइड टाइप होगा, दैट इज प्री ऑर्डर। ओके, प्री ऑर्डर, और इसमें मैं क्या पास करूंगा, एक नोड स्टार पास करूंगा रूट। ओके, ऑल राइट। अब इसमें क्या होगा यार, हमारा बेस कंडीशन क्या होगा, मतलब कि अगर हमारा जो नोड है, जो हमारा ट्री है, उसमें रूट जो अगर हमारा नल के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में कुछ नहीं करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इफ़ रूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर रूट की वैल्यू नल हो जाएगी, तो इस केस में सिंपली क्या कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे यार, हम लोग प्री ऑर्डर में सबसे पहले वैल्यू किसका लिखे थे, हम लोग पहले वैल्यू किसका लिखे थे, रूट का डाटा का लिखे थे। समझ में आ रहा है? तो सिंपली हम लोग सी आउट कर देंगे। क्या कर रहे होंगे, हम लोग फंक्शन को रिकर्सिव कॉल कर देंगे। वो किसके लिए कॉल होगा, वो यार वो कॉल होगा रूट के लेफ्ट सब ट्री के लिए और फिर रूट के राइट सब ट्री के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करते हैं प्री ऑर्डर, और इसमें हम लोग पास कर देंगे रूट का, और ये जो रूट का लेफ्ट है ना, ये एज अ नोड बिहेव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है, मैं उसमें नोड ही तो पास कर रहा हूँ, ये एक नया पैरेंट नोड की तरफ बिहेव कर रहा होगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो हम लोग फिर कॉल कर देते हैं अपने फंक्शन को, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, रूट का राइट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑल राइट, अब हम लोग सेम फंक्शन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे किसके लिए, अपना यहाँ पे सिंपली नेम चेंज करते हैं, दैट इज पोस्ट ऑर्डर। ओके, सो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग पोस्ट ऑर्डर में क्या करेंगे, ये तो बेस कंडीशन तो सबके लिए होगा कि रूट अगर नल के बराबर है तो सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और ये पोस्ट ऑर्डर में हमारा जो रूट का डाटा होता है, वो सबसे लास्ट में लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, पहले हम लोग रूट का लेफ्ट सब ट्री को लिखते हैं, फिर उसके बाद रूट के राइट सब ट्री को। ओके, और लास्ट हम लोग रूट के डाटा को लिखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? सो हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर। ओके, सो उसके लिए भी यही सेम कंडीशन होगा। सो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ फंक्शन का नेम, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो इन ऑर्डर, ऑल राइट, और इसमें भी वही कंडीशन होगा, हमारे बेस कंडीशन का रूट नल के बराबर होगा, सिंपली रिटर्न कर दो, कुछ नहीं करना है। और इन ऑर्डर में क्या होता है, हमारा जो रूट का डाटा होता है वो बीच में आता है। समझ में आ रहा है? इसको सिंपली मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और बीच में इसको प्रिंट कर दूंगा। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हम लोग रूट के लेफ्ट सबट्री को कॉल किए हैं, फिर उसके बाद रूट के डाटा को प्रिंट किए हैं, फिर उसके बाद किसको कॉल किया है, अपने रूट के राइट सबट्री को। ओके, सो ये रिकर्सिव कॉल हुआ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो हम लोग अपने फंक्शन को अब यहाँ पे कॉल करते हैं। सो पहला फंक्शन क्या था, हम लोग पहला फंक्शन लेट से प्री ऑर्डर। ओके, अब इसमें क्या पास करेंगे, हम लोग रूट पास करेंगे। ओके, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या था, इन ऑर्डर, इसमें भी वही काम कर रहे होंगे हम लोग। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इंडे लगा दें, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, सो लेट्स रन इट। सो आई होप आपको ये आउटपुट दिख रहा होगा, ये जो हमारा ट्री जो फॉर्म हुआ है। ओके, ये जो ट्री है, इसका हमारा पहला आउटपुट क्या है, प्री ऑर्डर है। ओके, और दूसरा आउटपुट क्या है यार, हमारा इन ऑर्डर है, और तीसरा आउटपुट क्या है, पोस्ट ऑर्डर है। सो पोस्ट ऑर्डर में हमारा जो रूट नोड होता है वो लास्ट में आता है, दैट इज़ वन, जो कि हमारा ये वन जो रूट नोड है वो लास्ट में आ रहा है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। और हम लोग प्री ऑर्डर में
सबसे पहले अपने रूट नोड को लिखते हैं जो कि वन पहले आ रहा है। ओके सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको कोड किए हैं, आई होप आ गया होगा। आपको ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको PDF भी सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा वहाँ पे। ओके सो अगर आपको वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।